Hi, this is Ranjit. I am an HR expert and the head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. Ranjit Kumar Show में आज हम एक और चीज लेकर आए आपके साथ. हमेशा हम HR पे बात करते हैं और कभी ट्रेनिंग्स की बात करते हैं और एक नए नए प्रोडक्ट्स पे बात करते हैं, लेकिन आज हमेशा बात की जाती है या थ्योरी बहुत है या प्रैक्टिकल बहुत है, लेकिन दोनों के बीच में आज हम आपको बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम की बात करेंगे. और ट्यून इन टैक आज हमारे टॉपिक का नाम है, जिसमें हम ऑटोमेशन के हवाले से बात करेंगे, CRM के हवाले से बात करेंगे, ERP एंड HCM का जो प्रोडक्ट है वो कैसे तैयार हुआ इसके हवाले से बात होगी. और हमने आज किसी प्रैक्टिशनर को नहीं बुलाया, बल्कि उन लोगों को बुलाया है जिन्होंने प्रोडक्ट अपने हाथ से बनाई है, आइडिया खुद जनरेट किया और इवॉल्व करके उसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड बनाया. हम मजीद आपका टाइम नहीं लेंगे और दावत देंगे आज ऐसे अमेजिंग गेस्ट को जिन्होंने इस प्रोडक्ट को इतना खूबसूरती से बनाया, जब आप भी इसको इस्तेमाल करेंगे ऐसा लगेगा कि आप कोई गेम्स खेल रहे हैं. तो सबसे पहले वेलकम टू नादिर फिरोज साहब, CEO एफ्रोटेक. वेलकम टू द रंजीत कुमार शो सर. तो मैं चाहूंगा कि बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग प्लीज टेल मी अबाउट योर डेजिग्नेशन जो मैंने लिंक्डइन पे देखी है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जो मैंने पढ़ी वो आपके मुंह से सुनूं और मेरी ऑडियंस भी आपको वो सुने सर, और उसका मकसद भी जरूर बताइएगा. अस्सलाम वालेकुम रंजीत, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो सर. ट्यून इन टेक, यस, डेजिग्नेशन जो है मेरी स्लाइटली अनऑर्थोडॉक्सी है. इट इज चीफ एग्जीक्यूट्रैक्स. राइट सर. और उसकी वजह कुछ ये है कि हमारी जो प्रोडक्ट है टाइम ट्रैक्स, इट कवर्स द एंटायर स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज फ्रॉम HR, CRM टू ERP. तो मेरा मानना यह है कि चूंकि CEO का रोल होता ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखना है, तो सिमिलरली अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रैक्स होगा वो जब ही पूरे इदारे को खूबसूरती से संभाल सकता. सर मैं ये चाहूँगा कि जब यानी कि ये जो इस तरह के जो आइडियाज़ हैं, मुझे एग्जैक्टली ये लगता है जब मैं आपका साइकोमेट्रिक असेसमेंट करूँगा ना तो मैं आपको दूंगा येलो कार्ड. आप पूरे प्रोग्राम में सोचिएगा येलो कार्ड कैसे होगा. तो हम बताएंगे बिकॉज द वे यू एक्सप्लेन दिस टर्मिनोलॉजी, इट्स अ प्योर क्रिएटिव. और हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ इंस्पायरिंग ऑफिसर, बस चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रैक मैं पूरा प्रोनाउंस नहीं कर पाया, नो डाउट अबाउट इट. इंशाल्लाह इसमें ज़रूर हम बात भी करेंगे. सो जैसे कि नादिर साहब से हमने बात की, नादिर साहब ने कहा कि कैप्टन का एक विजन होता है लेकिन कैप्टन इज इनकम्प्लीट विदाउट अमेजिंग टीम मैट्स एंड टीम मेंबर्स. अगर आपकी टीम में सारे बॉलर्स हों तभी भी आप नहीं जीत सकते, सारे बैट्समैन हों तभी भी नहीं जीत सकते, लेकिन इन्होंने एक ऐसा एक पर्सनालिटी को हमारे साथ इस शो में आज दावत दी है. उन्होंने कहा मैं अकेले नहीं आऊँगा, मैं टीम के साथ आऊँगा. एंड ही इज अ वन मैन आर्मी, हाफिज नुमान साहब. हाफिज नुमान साहब, यू डोंट नीड मोर इंट्रोडक्शन. मैं चाहूँगा कि पूरी कौम इस चैनल के थ्रू आपको सुने, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. जी थैंक यू वेरी मच रंजीत. माय नेम इज़ हाफिज मोहम्मद नुमान एंड आई एम वर्किंग एज जनरल मैनेजर इन एफ्रोटेक. And I've joined my journey with Afrotech in 2003. और उस वक्त बेसिकली प्रोडक्ट के लैंडस्केप में टाइमटेक्स के पास, एफ्रोटेक के पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स उस वक्त थी. तो एज अ कंपनी एफ्रोटेक के प्लेटफॉर्म पर हमने काफ़ी प्रोडक्ट्स पर काम किया और देन फिर एक आइडिया विच इज़ नाउ बिकम द रियलिटी टाइम ट्रैक, राइट, उसको फिर हम लेके चले एज अ प्रोडक्ट बिल्कुल ग्राउंड लेवल से. सारी R&D's के साथ हमने इसको डेवलप किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम एज अ प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं अभी तक और ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है. और आगे चल के हम इसमें मज़ीद बात करेंगे कितने इसके मॉड्यूल्स हैं, क्या इसकी डिटेल्स हैं. नादिर साहब मैं चाहता हूँ कि कोई टेक्निकल सवाल आपसे नहीं करते, बड़ा सिंपल सा सवाल करते हैं. आपकी नुमान साहब से मुलाकात कैसे हुई, नुमान साहब ने आपके साथ कब काम करना शुरू किया और इतना अरसा कैसे हो सकता है सर? हम तो कहते हैं 4 साल नौकरी करें, 5वें साल किसी और जगह चली जाए. नुमान साहब के साथ आपका सफ़र कैसे, कहाँ शुरू हुआ, वो इतना अरसा कैसे सर? इसमें इस तरह है कि कंपनी की बुनियाद तो 1997 में रखी थी हमने, एंड आफ्टर दैट आई वॉज परसूमिंग माई MBA एंड MIS फ्रॉम IB. तो मैं तकरीबन 4 साल के लिए बिजनेस एक्टिविटीज से अनएसोसिएटेड रहा. तो इस दौरान में ही हाफिज नुमान साहब ने कंपनी में एंट्री दी, सो हमारा उस वक्त तो कोई वास्ता नहीं पड़ा. फिर जब वी इवेंचुअली When I did join the business as a full-scale basis as a CEO, उस ज़माने में मैं CEO हुआ करता था, if chief executive नहीं हुआ था. तो उस वक्त हमने discussions हुए, हमने बात की कि यार मेरा अपना vision ये था, having studied application service providers back in 98 at IBA as my first course, professor Dr. Irfan Haider के साथ,
तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि एक एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर होगा, एक प्रोडक्ट एक दफ़ा बनेगी, वेब पे कहीं होस्ट होगी और उसको दुनिया में सब यूज़ कर सकेंगे। तो अगले 5-6 साल तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो कह के हायर ये रियलिटी हो सकेगी। डिस्कशन आफिस साहब से इस बात पे हुआ तो उन्होंने कहा यार व्हाई नॉट, तो बस उस व्हाई नॉट से जो है हुआ कि यार ठीक है भाई, लेट्स सी व्हाट ऑल वी कैन डू टुगेदर। And since then, it's been an exciting journey. Nirmal sahab, aap compliment karna chahenge the way Dadesh sahab says ki ek amazing team member kaise entry karta hai aur kaise is cheez ko reality mein convert. Ji, bilkul. Jab initially join kiya, definitely us waqt Nadir sahab us waqt part nahi the, yakeenan ye studies mein us waqt the. To as a company, yakeenan aap jab join karte hain, development mein maine join kiya aur initially kuch products hain wahan pe already jaise kaam ho raha hota hai, ho raha tha. लेकिन अगेन वो एक मेरे जहन में हमेशा से ये रहता था फ्रॉम द बिगनिंग और स्टूडेंट लाइफ कि कुछ नया करना है, कुछ यूनिक करना है, कुछ हटके करना है। जो बाहर हो रहा है देखा, देखने के बाद ये होता था कि नहीं यार ये यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो ये शुरू से ही माइंड था। तो यहाँ आके क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर काम हो रहा था, बिना सब से डिस्कशन हुई। जो प्रोडक्ट इस वक्त टाइम ट्रैक्स है वो उसका लिंक थोड़ा सा बैक अगर हम जाएं तो वो ऐसा टाइम ट्यून के नाम का एक प्रोडक्ट था, तो वो आपके प्रोग्राम के साथ भी कुछ लिंक हो रहा है, ट्यून टैक्स, ट्यून टैक्स। तो एब्सोल्युटली वो टाइम ट्यून का एक प्रोडक्ट था जो उस वक्त अवेलेबल था। प्रोडक्ट को रिव्यू किया, देखा मैंने इनिशियली, जाहिर सी बात है अब नई कंपनी में आते हैं, आप चीज़ें लर्न देख रहे होते हैं, आइडियाज़ आप थोड़े से रिजर्व रखते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं एनवायरमेंट, देख रहे होते हैं सीनियर्स को, जूनियर्स। तो दैन फिर वो अगेन वही, फिर जब नाइस अप्स के साथ डिस्कशन रही तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसी सिनर्जी बनती चली गई कि अगेन वो जो आपका सवाल था कि इतने साल ये कैसे रुक गए और आप कैसे रुक गए, तो वो एक कहते ना कि वो एक पैशन। और मैं हमेशा से ऐसा रहा हूँ काम के मामले में पैशनेट बहुत रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहा हूँ हर चीज़ में। और ओनरशिप ऐसी होती थी कि यार किसी का भी काम है अगर मुझे मिल गया है तो बस ये मेरा काम है। तो वही माइंड था, वही हमेशा से जहन में होता था। तो बस वही एक ड्राइविंग फोर्स रही कंटिन्यूसली, एक तो कुछ नया करने वाली और एक पैशनेट होकर करने वाली। काम तो सभी करते हैं, 9 to 5 जॉब करने होते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि टाइम ट्रैक्स जो स्टार्ट हुआ वो ऐसा हो गया कि वो लाइफ, मतलब हर वक्त वो कहते हैं ना दिमाग में चल रहा होता है कि अब इसमें और क्या हो सकता है, अब इसमें और क्या हो सकता है। तो बस वो एक फोर्स थी। और डेफिनेटली इट्स टू वे प्रोसेस होता है, कंपनी रिटेन करती है, कंपनी साथ चलती है, एम्प्लॉय भी साथ चलता है। तो सर नादिर साहब, हमें नुमान साहब की बातों से ये पता चलता है कि आप मुझे बताइए करना क्या है। तो मुझे एक कैरेक्टर याद आता है कि बताओ मैं किसको खाऊं, कौन सी चीज कहां पर है। सो अमेजिंग कैरेक्टर ऑफ एग्जीक्यूशन। और मैं समझता हूं एग्जीक्यूशन की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसके पीछे असल जो इंपॉर्टेंस है ये बिग आइडिया कहां से आया, इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या था और रियल विजन क्या था, हम आपके जुबानी सुनना चाहेंगे सर। देखिए रियल विजन अगर मैं इसको बिल्कुल ब्रेक डाउन करूँ तो एज अ ग्रुप, वी आर अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, फार्मास्यूटिकल में हैं, हेल्थ केयर के काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, कंज्यूमर की तरफ हैं। तो हमें ये फील हुआ कि मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑटोमेशन, दे लैक ट्रिमेंडसली इफ़ वी गो टूवर्ड्स अ लोकल स्पेक्ट्रम, एंड इफ यू गो फॉर द इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स, एक तो टू एक्सपेंसिव एंड नॉट लोकलाइज। अगर आप लोकलाइज करने जाते हैं तो दैट्स अ वेरी लॉन्ग लीड टाइम। तो हमने कहा कि यार एज अ ग्रुप लेवल अगर हम इसको देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, वी फील दैट वी आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, वर्किंग विद अ लॉट ऑफ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली एज वेल, तो यकीनन ये बाय एंड लार्ज एक प्रॉब्लम है। अगर हम 10-12 कंपनीज में ये एक चीज अक्रॉस द बोर्ड देख रहे हैं, इट मस्ट बी यूनिवर्सल एज वेल। इट केम अक्रॉस इन डिस्कशन एज वेल, यूनिवर्सिटी में हमने पढ़ते हुए देखा, कंपनीज पे केस स्टडीज की, वी फाउंड दिस टू बी अ कॉमन प्रॉब्लम। तो वहाँ से ड्राइव हुई ये चीज़ के यार वाई डोंट वी डिवेलप समथिंग विच कैन केटर टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। तो किसी भी इदारे ने कुछ करे ना करे 3 से 4 चीज़ें हैं जो ज़रूर होनी है। उस ज़माने में वेबसाइट भी बड़ी ज़रूरी चीज़ हुआ करती थी। तो हमने कहा वेबसाइट भी होगी, वो अपने फाइनेंशियल भी बनाएगी, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही हो, कोई भी इसका बिजनेस फंक्शन हो, कोई भी उसके ऑब्जेक्टिव हो, उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे और उसके कुछ कस्टमर्स होंगे या कुछ स्टेक होल्डर्स होंगे। तो हमने उन 4 चीज़ों को उठाया। इवेंचुअली लिंक्डइन और फेसबुक वगैरह ने वेबसाइट की नीड तो एज सच हमारे हिसाब से काफ़ी रिड्यूस कर दी, वो एलिमेंट्स मिनिमाइज कर दिए, बट बाकी 3 एलिमेंट्स सर्वाइव। तो हमने ये फील किया कि यार वी विल प्रोवाइड समथिंग एट एन एक्सेप्शनली यूजबल स्केलेबल लेवल अक्रॉस द इंडस्ट्री जो कि सबकी नीड को मीट करती है। तो ये वहाँ से विजन ड्राइव हुआ। और इसके दौरान में हमारे अपने इंटरनल क्वेश्चन भी आए। हमने कहा व्हाई डोंट वी गो आउट विद द इंटरनेशनल प्रोडक्ट।
तो हमने आइसकाला के नाम से एक प्रोडक्ट है, यानी कि आप किसी इम्पोर्टर बन जाएं, जी जी बिल्कुल, प्रोडक्ट लेकर आए और उसका लाइसेंस आप बेचें, इस तरह का आइडिया। बिल्कुल, तो हमने इस आइडिया को भी टॉय किया, एक साल तक हमने इसको एक्सप्लोर किया, प्रोडक्ट को स्टडी किया, तो पता चला यार प्रोडक्ट तो लोकलाइज है। तो अगर लोकलाइजेशन इज एन अक्रॉस द बोर्ड चैलेंज, अच्छा एक एक ऑप्शन और होता है कि कंपनी इंटरनली ही एक टीम रख के डेवलप कर ले, वो एक पॉइंट पे आके, जैसे आपने कहा ना 4 से 5 साल वाली बात, बंदा चला गया फिर क्या होगा, टीम फिजल आउट हो गई, और उसकी भी कॉम्पिटेंस लेवल एक हद तक होगी, उसकी डोमेन नॉलेज लिमिटेड होगी, क्योंकि वो एक कंपनी के अंदर या ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर ही अपनी नॉलेज बेस डिराइव कर रही। जबकि अगर अपनी बात करें हम, तो इस लंबा अर्सा हो गया हमें, इस अरसे में हमने कोई 20,000 इदारों के प्रोसेस को स्टडी किया है टू बी स्टैंडिंग वेयर वी आर राइट नाउ। तो ये ऐसे ही नहीं, ये इसकी कॉम्पिटेंस या प्रोडक्ट की डेप्थ जो आज हमारी अचीव हो चुकी है वो यहाँ से स्टेम करती है। तो वो ऑब्जेक्टिव था हमारा कि यार वी वांट टू हैव समथिंग मेड इन पाकिस्तान, मेड फॉर पाकिस्तान, विच केटर्स टू द एंटायर ए टू जी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस नीड्स इन टर्म्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस। सो ये इसके बैक ऑफ द माइंड ये विजन था। मैं सर बस इसी चीज को दोबारा आपके साथ रिपीट करना चाहूँ, मेड इन पाकिस्तान, मेड फॉर पाकिस्तान, मतलब इतना सारा कॉन्फिडेंस आपको किस बेसिस पे है? क्या टीम को देखते इस तरह बात कर रहे हैं आप, या आपकी टेक्नोलॉजी पे इतना ग्रिप हो चुका है, या इतनी स्टडी की है और लोगों की कॉन्फिडेंस पे आपको ब्लाइंड फेथ हो चुका है, या आपने मेड इन पाकिस्तान और मेड फॉर पाकिस्तान का? ये सर मैं दोबारा आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। क्यों आप मेड इन पाकिस्तान, मेड फॉर पाकिस्तान, देखें ये एक और चीज से, एलिमेंट से डिराइव करता है। सर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जब हम ऑपरेट करते हैं, हमने ये आइडेंटिफाई किया कि यार बेस रॉ मटेरियल जो है ना, चाहे हम फार्मास्यूटिकल की बात करें, केमिकल की बात करें, या कन्फेक्शनरी की बात करें, किसी की भी बात करें, बहुत कुछ इंपोर्ट होता है, फ्लेवर्स होंगे, एक्स वाई जेड, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बेस मटेरियल्स होंगे वो इंपोर्ट होने, मशीनरी सब कुछ इंपोर्ट होगा। टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर में, यू डोंट नीड टू इंपोर्ट एनीथिंग एट ऑल, सो क्लियर, एक्सेप्ट फॉर मे बी द प्लेटफॉर्म ऑन विच यू डूइंग द डेवलपमेंट, एवरीथिंग एल्स इज इन हाउस, पाकिस्तानी है वो डेवलपर, वो सिस्टम एनालिस्ट, वो इंटीग्रेशन का बंदा, वो सब मैन पावर अवेलेबल इन पाकिस्तान है। तो जब बेस रॉ मटेरियल यहाँ मौजूद है, तो हमें किस चीज़ की टेंशन? अगर ये प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल आपको इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि पाकिस्तानी मार्केट, पाकिस्तानी बिजनेस कल जाके ईस्ट अफ्रीका में जाता है, कल जाके अफ्रीकन कंट्रीज में जाता है, वो कहते हैं टाइम ट्रैक्स यूज करना है, क्या आप उनके लिए भी दस्तयाब हैं सर? ये इसमें अगर नहीं है, ये आप पूछे कब से है? कब से? अल्हम्दुलिल्लाह एट द मोमेंट वी हैव रीसेलर्स अपॉइंटेड इन 3 continents व्हिच इंक्लूड्स अफ्रीका एज़ वेल। तो हमारी इम्प्लीमेंटेशंस तो बहुत सारे ममालिक में हैं, बहुत सारे अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स हमने पाकिस्तान से बाहर भी किए हैं और रेगुलरली हम करते आ रहे हैं। सही, इस पिछले तकरीबन 10-15 साल हो गए हमें इस प्रोसेस में इंडल्ज हुए। तो टाइम ट्रैक 7 समंदर पार अभी नहीं हुआ, 3 समंदर पार हो चुका है। नहीं, टाइम ट्रैक 38 ममालिक में इम्प्लीमेंटेड है, और वो तकरीबन आप समझ लें हमने ब्राज़ील, right, which extreme time zone end के करीब, starting from Japan, तो जब सनराइज करता है और वो सेट करते करते में जो वक्त गुजारता है 15 घंटे का, तो उस पूरे टाइम जोन को हमने सपोर्ट भी दी है इस उसमें के टाइम ट्रैक्स के मॉड्यूल्स एक ही ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हों और वो पूरा स्पेक्ट्रम कवर हुआ वो। मैंने जो ब्रोशर्स पढ़े थे, मैंने तो उसमें जो तैयारी की थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसमें देखा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा 37 सुपर मॉड्यूल्स क्या है, आपने 38 ममालिक लिख के मुझे नई सोच में डाल दिया। तो मैं जो तैयारी करके आया उसमें से और लर्निंग हो रही मेरी बड़ी जबरदस्त। तो हाफिज साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो टेक्नोलॉजिकल इंस्पिरेशन है और जो बिजनेस ऑटोमेशन फॉर पाकिस्तान है, इस दो टर्म्स के पीछे क्या लॉजिक है? और आप इतना बड़े जबरदस्त क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऑटोमेशन भी करेंगे और जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है उसको भी नया जन्म देंगे, वो टाइम ट्रैक्स कैसे कर सकता है? देखिए, बेसिकली जैसे राणा साहब ने ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन की कि जो बिजनेसेस के नीड्स है ना, तो नॉर्मली पाकिस्तान की वो समटाइम इतनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होती है या लोकलाइज होती है, कस्टमाइज होती है, कि वो नॉर्मली आपको किसी भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट में वो नहीं मिलती। और जो ज़रूरी है डेफिनेटली बिजनेस पे ही पूरी कंट्रीज चल रही होती है, तो बिजनेस ऑटोमेशन तो कहीं का भी कहते हैं ना लाइफलाइन है, बिजनेस ग्रो करेगा, एम्प्लॉयमेंट्स होंगी, आवाम ग्रो करेगी। तो बिजनेस को टेक्नोलॉजी में लेके आना, अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि ख्वाब था कि कुछ ऐसा करना है, तो उसके पीछे भी यही था। इवन अगर मैं थोड़ा सा बैक करूँ तो मैं जिस वक्त एजुकेशन मैंने अपनी कम्प्लीट की, तो मैंने कुछ इंटरनेशनल, जैसे होता है कि इंटरनेशनली इंटरव्यूज दिए, और वो उस वक्त के दौर में कम थे, यूएस में 9/11 के दौर का टाइम था ये, उससे थोड़ा सा पहले का,
तो वहाँ इंटरव्यूज हुए ऑनलाइन, उन्होंने फाइनली दे दिया, उन्होंने वीज़ा का लेटर आ गया, सब कुछ हो गया। तो मैंने बोला नहीं यार मैं तो जाने ही नहीं, मैं जस्ट आई वॉज जस्ट चेकिंग कि क्या मेरा एप्टीट्यूड लेवल है, मैं ये क्लियर कर सकता हूँ कि क्या मार्केट वैल्यू है, मैं भी कह सकते हैं लेकिन तो जस्ट जस्ट चेक एंड हाँ ओके कर सकते हैं, लेकिन यही था कि नहीं है पाकिस्तान के लिए करना है, पाकिस्तान के तो इसका बिल्कुल लिंक जो बना वो बिजनेस ऑटोमेशन, फिर टेक्निकली बैकग्राउंड सारा टेक्निकल, तो उसको ऑटोमेशन में लेके आना। सर वो 38 ममालिक वाला सवाल जब मैं इनसे बात कर रहा था दोबारा आ गया, मैं चाहता हूँ मैं इसको थोड़ा रीफ्रेस करके पूछूं। पहली कंपनी में बिजनेस लेने से 38 ममालिक का जो सफर है उसमें नादिर साहब क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, मैं सर सुनना चाहता हूँ और पूरी कौम आपको सुनना चाहती है, हाउ यू डिड इट एंड क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या आपको अप्स एंड डाउन्स रोलर कोस्टर रहा होगा वो सफर, आई वांट टू रियली रियली लिसन फ्रॉम यू सर। इसमें एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही हमारे हिसाब से एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट था, इन द सेंस के एट वन पॉइंट इन टाइम वी वर वेरी कैश स्ट्रैप्ड, राइट। तो उस वक्त हमें एक प्रोजेक्ट ऑफर हुआ इन इंटीरियर सिन, एक हॉस्पिटल की ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट था, एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट वन, 50 डिग्री टेम्परेचर में, मुझे आज भी याद है हम 4 लोग एक रूम में रुके थे and there was no air conditioner in और वहाँ पर लाइट भी बहुत नहीं होती है, अगर 12 लाइट थी लाइट भी पूरी लग रही थी कि लाइट भी गर्मी प्रोवाइड कर रही थी। तो 50 डिग्री टेम्परेचर विदाउट ए सी, वी स्पेंट अ नंबर ऑफ डेज ओवर देयर एनालाइजिंग द रिक्वायरमेंट्स, डिस्कसिंग विद द यूजर्स उनकी क्या नीड्स हैं, और हमने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन पूरी वहाँ पर रन की ओवर अ कोर्स ऑफ 2 मंथ्स, एंड दैट इज वेयर फ्रॉम हमने चंद ही प्रोजेक्ट्स किए गवर्नमेंट के, ये उनमें से एक था, बिकॉज ज़ाहिर थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है, डिफिकल्ट होता है उनके साथ ऑपरेट करना, तो हम यूजुअली प्रेफर करते हैं विद ब्लू चिप ऑर्गेनाइजेशन काम कर। तो हमने वो प्रोजेक्ट रन किया, वहाँ से हमने कुछ हद तक अपना वर्किंग कैपिटल जनरेट किया, और दैट वॉज मेरे ज्वाइन करने के बाद का वो पहला बड़ा प्रोजेक्ट था जहाँ से हमने फिर बुनियाद डाली कि ठीक है जी, वी कैन अंडरटेक एनी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, एनी लेवल ऑफ डिफिकल्टी। वहाँ से हम आगे बढ़े, फिर हमें एक प्रोजेक्ट ऑफर हुआ फ्रॉम इंटीरियर सिन, हम बात कर रहे हैं मल्टी कंट्री प्रोजेक्ट की, राइट, इसमें ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका एंड यूएई इन्वॉल्व था, विच वॉज एन ऑर्डरिंग एप्लीकेशन फॉर अ ग्लोबल MNC। तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि जी वेब बेस्ड प्रोडक्ट चाहिए उन्हें, जो कि इसको हम क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट कहते हैं, तो वहाँ से हमारी बुनियाद पर ही क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट। तो हमने उनके लिए एक सोल्यूशन डेवलप किया, हुआ तो स्टार्ट था वो कि यार 3 से 4 फॉर्म्स होंगे, देखते देखते वो 75 फॉर्म में तब्दील हुआ, और इट टुक अबाउट 3 मंथ्स ऑफ आर टाइम, बट जब उसके बाद वो रोल आउट हुआ तो द अमेजिंग थिंग इस बात को हो चुके तकरीबन 18 साल, वो सिस्टम आज भी लाइव है, वो कंपनी आज भी उस सिस्टम को यूज़ कर रही है। तो ये रहा हमारा कुछ हद तक सफ़र कि जी बहुत छोटे लेवल पे शुरू करके या बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक प्रोजेक्ट जो कि हमारी कहते हैं ना कोर एरिया स्ट्रेंथ एरिया में से नहीं था, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एक मिक्स से लेकर क्लाउड की तरफ की जंप विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स टू अ ईयर, राइट। तो ये दोनों अंडरटेकिंग्स हमने उस वक्त चैलेंज लिए और बखूबी अंजाम दिए, और पहली कंपनी से 38 ममालिक का सफर, अमेजिंग सर, आई एम रियली ऑनर्ड टू लिसन दैट। मैं सच बताऊं जो तैयारी करके आया, लेकिन जो कॉन्वर्सेशन आप हमसे कर रहे हैं इट्स टू अमेजिंग, और मैं समझता हूँ कि जो हमें सुन रहे होंगे उनको भी लग रहा होगा कि टाइम ट्रैक सिर्फ एक छोटा सा आपका जो नहीं आता उसके अंदर कैरेक्टर है वैक्टर फॉर्मेट का, उसको समझ गया यार ठीक है ऐसा ही होगा, लेकिन द वे आई एम लिसनिंग टू यू, और जब मैं नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा, मैं CBM बहरिया और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता हूँ, तो अब मैं उनको खुल के बता सकता हूँ कि हमारे मुल्क का प्रोडक्ट, हमारे लोगों के लिए जो प्रोडक्ट है वो टाइम ट्रैक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि 38 ममालिक में काम करता है। आई क्लेम इट एंड आई इंट्रोड्यूस टू यू एज वेल, मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पर दावत दूंगा कि आए अपनी जो ये रियल स्टोरी इंस्पिरेशन आप जरूर वहाँ पर आके सुनाएं। नुमान साहब, जैसे कि हम नादिर साहब से बात करें, नादिर साहब अपने कंट्रीब्यूशन और माइलस्टोन्स की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसे कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स थे या कौन से लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स थे जहां पर आपको लगा कि ये एक्चुअल गैप है मार्केट के अंदर, इन गैप्स को अगर हम फिल करेंगे तो नए एक प्रोडक्ट की तरफ हम जाएंगे। पहले गैप्स के बारे में बताएं, सॉल्यूशंस कैसे प्रोवाइड किया और नई प्रोडक्ट कैसे आप डेवलप करते रहे, सो ओवर टू यू। अच्छा, बेसिकली गैप्स तो देखें डेफिनेटली बिजनेस के हिसाब से टाइम टू टाइम बन रहा होता है, कुछ बिजनेस जो आज यूज़ कर रहे हैं 2-3 साल में वो चीज़ें चेंज होती है, डायनामिक्स चेंज हो रहे होते हैं। तो गैप्स जो हमने उस वक्त आइडेंटिफाई किया वो यकीनन एक अच्छी HR प्रोडक्ट का था, होना था, और दूसरा ये कि HR का स्टार्टिंग पॉइंट इसलिए भी था कि HR इज़ एवरीवेयर, क्योंकि अगर आप देखें तो बिज़नेस
ऐप्स यकीनन जो ईआरपी रिलेटेड ऐप्स हैं अमूमन वो बहुत सारे लोग अकाउंटिंग की ऐप्स चला ही रहे होते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन जो एचआर वाला एरिया है वो बहुत अनटैप्ड था पाकिस्तान में। लोगों को लोग एडमिन को ही बस एचआर समझते थे और वही ये माइंडसेट होता था कि बस एचआर तो सिर्फ एक अटेंडेंस सिस्टम है, एम्प्लॉय आएगा वो अटेंडेंस लगाएगा और बस वो एचआर पूरा हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। तो जब मार्केट पे अगेन ये बहुत बड़ा गैप था उस वक्त और एचआर से रिलेटेड लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, इवन हमें इसमें बहुत टफ टफ टाइम भी मिले बहुत सारे चीज़ें, क्योंकि हमने बहुत अर्ली डेज में स्टार्ट कर दी थी, बहुत सारी टर्म्स ऐसी थी जो लोगों को, इवन हम डेमोज में जाते थे प्रेजेंटेशन देते थे लोगों के सर के ऊपर से गुजर जाती थी कि यार अच्छा ऐसा कुछ होता है ऐसा कुछ होता है, तो गैप्स थे उन्हीं को देखते हुए हमने प्रोडक्ट को ग्रो करते चले गए और स्टार्ट किया था हमने, स्टार्टिंग 3 मॉड्यूल्स से हमने स्टार्ट किया था और 37 सुपर मॉड्यूल्स पे इसका अल्हम्दुलिल्लाह है। तो यकीनन वो नीड होती है तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जब कुछ लोगों को नीड नहीं होती लेकिन जब वो सिस्टम देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ ये तो क्योंकि ये एक बड़ा गैप है पाकिस्तान में, लोगों को ये सेंस नहीं है कि किस ऑटोमेशन से क्या रिजल्ट आएंगे, वो अमूमन ऐसा चल रहा होता है टॉप लेवल पे, हाँ भाई तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है अच्छा मैं भी वही लगवा लेता हूँ, अपने बिजनेस सीट समझते नहीं है, वो कुछ जगहों पे फेल होता है कुछ जगहों में पास होता है, कुछ खाली ब्रांड देख रहे होते हैं कि यार वो इंटरनेशनल ब्रांड लगा लेते हैं वो अच्छा हो जाएगा, उसकी आपको डिफरेंट स्टोरीज मिल जाएंगी, कहीं पे सक्सेस है कहीं पे फेलियर है। एब्सोल्युटली तो यकीनन गैप था गैप है और ये कंटिन्यूस ये रहेगा, अगर आप देखें तो डायमंडस ग्रो ही उन गैप्स की वजह से हो रहा है कि लोगों में अडॉप्शन का सेंस आ रहा है। इस वक्त जैसे 4G 5G का दौर है तो इस वक्त कंटिन्यूसली रिक्वायरमेंट जो है वो बन रही है और लोग ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बस अभी हमें हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं कह रहे हैं छोटा सा एक ब्रेक ले लें, ट्यून इन टेक में इस छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा बात करेंगे नादिर साहब से, बड़ी मजे की गुफ्तगू आपसे हो रही है सर। और मैं जैसे लिंक्डइन पे आपको फॉलो करता हूँ, यू आर अ डिफरेंट पर्सनैलिटी बट द वे यू टॉक मुझे लगता है कि आपके अंदर एक ना इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी रहती है, बस उसको एक और प्लेटफॉर्म मिलने की जरूरत है। आपके पास टाइम नहीं होगा लेकिन when you come into the market, I'm telling you, you are the amazing and inspiring personality as well. Thank you. छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। ट्यून इन टेक की गुफ्तगू के अंदर हमने बहुत सारे पहलुओं पे बात की, टाइम ट्रैक्स कैसे अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, अपने कस्टमर्स को कैसे सेटिस्फैक्शन के अलावा डिलाइट लेवल पे लेकर जाता है। हर जगह कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे सेटिस्फैक्शन आती है बट डिलाइट वही है जिससे आपका कस्टमर रिटेन होता है और वापस आता है वो प्रोडक्ट खरीदने। लेकिन हम इन बातों से एक और भी लर्निंग लेकर जाएंगे कि टाइम ट्रैक्स के अंदर कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आजकल 38 ममालिक यूज कर रहे हैं और उनके पास ऐसे कौन से सॉल्यूशंस हैं जिन सॉल्यूशंस को लेते हुए जो ऑर्गेनाइजेशन इस वीडियो को सुन रहे हैं और उससे उनके सवालात और उनमें जो उनकी लर्निंग है वो इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। तो हाफिज साहब से हम दोबारा पूछेंगे, हाफिज साहब व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड 37 सुपर मॉड्यूल्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रेडीमेड रिपोर्ट्स, क्या है इसके पीछे कहानी सर? हाँ बेसिकली जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इसको अगर हम ओवरऑल टाइम ट्रैक्स को देखें तो 3 मेन एरियाज हैं लाइक SCM, CRM, ERP। उन 3 एरियाज में फिर डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जो ओवरऑल मिला के हमारे 37 बताए। तो SCM में आपके जिस तरह नाम तो जाहिर है HR रिलेटेड सारी कंपनी से रिलेटेड सारे मॉड्यूल्स कवर कर रहे होते हैं, जिसमें आपके पास अटेंडेंस मैनेजमेंट आ जाता है स्टार्टिंग एंड देन हायरिंग है, मैन पावर प्लानिंग है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू मेजर देम परफॉर्मेंस ऑफ देयर एम्प्लॉइज। मैं सर इसमें एक कुछ ऐड कर दूँ, वैसे मेरे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बहुत बड़ा की एरिया है और मैं बहुत सारे सेशन भी कराता हूँ, मैंने तकरीबन आज तक 8 सिस्टम्स देखे हैं और एक शख्स ऐसा है जैसे सुबह में बात हो रही थी रंजीत साहब मुझे कब बुला रहे हैं वापस, तो मैं आप ही के प्रोग्राम के थ्रू से उनको कहना चाहता हूँ जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट लेवल आपका तैयार हुआ हुआ है जिसको हम कहेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव सेटिंग टू टैलेंट मैनेजमेंट 9-box grid, मैंने आज तक इंटरनेशनल हो या लोकल सिस्टम हो नहीं देखा। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट यू हैव डन सर, अमेजिंग सर। अच्छा जैसे ही आपने कहा लाइक कि वो 9-box मैट्रिक्स की आपने बात करी, तो ये हमने मतलब इसको डेवलप किया अराउंड कोई 5-6 साल से ज़्यादा हो चुकी है, हमने डेवलप किया था, इसकी रिक्वायरमेंट डिस्कशन हुई, डेमोज वगैरह हुए, लेकिन अगेन वही अवेयरनेस का गैप है। तो वो आप लोगों ने, आप जैसे लोगों ने उसको मार्केट को बताना है इन चीज़ों की क्या इफेक्टिवनेस है क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जैसे हमने डिस्कस किया तो ये एक एरिया है, उसके अलावा हमारे पास 37 मॉड्यूल्स में HR साइड पर आपका
ट्रेनिंग का एरिया है जहाँ ट्रेनिंग मैनेजमेंट का सारा आप रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास अगर हम एचआर के अंदर देखें तो एक एरिया ऐसा है जो एडमिन साइड का एरिया होता है, वो बहुत सारे एचआर एप्स में नहीं होता, फैसिलिटीज मैनेजमेंट, कैंटीन मैनेजमेंट। उसके लिए हमारे बड़े स्पेसिफिक से बायोमेट्रिक इनेबल्ड हमारे पास कियोस्क हैं टाइम ट्रैक्स के, जिसमें एम्प्लॉई जो भी ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ हैं, नॉन पीसी यूज़र्स हैं, वो लोग भी टाइम ट्रैक्स उसी तरह यूज़ कर सकते हैं जिस तरह पीसी यूज़र यूज़ कर सकते हैं। वो जस्ट आएंगे, अपने फेस या फिंगरप्रिंट शो करेंगे, उनका सिस्टम लॉगिन हो जाएगा, वहीं से वो टच स्क्रीन से वो अपनी लीव्स रन कर लें पेरोल की। तो बड़ा एक हैक्टिक होता है, जो लोग एचआर के लोग इसको मंथली फील यूज़ कर रहे होते हैं तो उनका अंदाज़ा होता है कि अगर मैनुअली ये करने बैठे हैं तो 200 लोग आके यही मैं सवाल कर रहे होते हैं कि मेरी पेस्लिप दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। कियोस्क जो है वो बड़ा ही टाइम सेव कर देता है, और इसी तरह कैंटीन का सारा एरिया है, कैंटीन आउटसोर्स की वो होते हैं। तो HCM में HR, एडमिन, इससे रिलेटेड हम कवर कर रहे होते हैं। अदर साइड अगर हम देखें तो बिज़नेस साइड पे हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को हम कवर कर रहे होते हैं, लाइक सर्विसेज की कंपनीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, तो उनके लिए हमारे पास सारे सोल्यूशन मौजूद हैं जिनमें सारा उनका फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ परचेजिंग ऑफ द मटेरियल टिल द एंड प्रोडक्ट, जो फिनिश प्रोडक्ट उनके पास रिलीज़ होती है, उसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स एरिया आ रहे होते हैं जिसमें प्रोडक्शन का पूरा एक एरिया आता है जहाँ पे सारी प्रोडक्शन प्लानिंग हो रही होती है। प्रोडक्शन प्लानिंग के बाद वो प्रोडक्ट फिर रिलीज़ होने से पहले कॉस्टिंग वाला एक पूरा एरिया है, जो फिर बैकएंड पे जाके पूरा एक जनरल लेजर और फाइनेंस के साथ लिंक्ड हो जाती है। तो ये इट्स अ मॉड्यूलर अप्रोच बट इट इज़ इंटरलिंक्ड राइट। तो ये हम पूरा स्पैन कवर कर रहे हैं। एक CRM वाला एरिया है जिसमें आपका जो है कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर के लीड मैनेजमेंट, अपॉर्चुनिटीज मैनेजमेंट, ये एक एरिया है जो हमारी एप्लीकेशन कवर कर रही होती है। यानी कि आपका जो पूरा प्रोडक्ट है इट्स नॉट जस्ट HR ड्रिवन, इट्स HR प्लस बिजनेस ड्रिवन। कैन आई से दिस 360 सॉल्यूशन विद वन क्लिक, ऐसा कह सकते हैं? यस डेफिनेटली, यस बिल्कुल एग्जैक्टली आप इसको कह सकते हैं। और क्या कहते हैं, टाइम के साथ वो यकीन है नाम से कहीं ना कहीं लिंक लगता है कि वो शायद कोई टाइम स्पेसिफिक ये है, लेकिन ये वो बेसिकली टाइम है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का टाइम सेव करने वाली एक एप्लीकेशन है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के टाइम को सेव कर रही होती है, नॉट ओनली द HR। हम नादिर साहब से यही सवाल दोबारा करते हैं। नादिर साहब, हमें लगता है कि टाइम ट्रैक्स ऐसा एक एप्लीकेशन है जिसमें हम अटेंडेंस मार्क करेंगे, लीव्स को मैनेज करेंगे और जो है ना वो थंब इम्प्रेशन लगा के अटेंडेंस को मार्क करेंगे। इसके अलावा टाइम ट्रैक्स क्या है? क्योंकि हाफिज साहब ने तो मुझे सोचने में मजबूर कर दिया ये 360 क्या चीज़ है, तो मैं वो आपसे सुनना चाहूंगा सर, व्हाट इज टाइम ट्रैक? देखिए, टाइम ट्रैक्स में जो टाइम का वर्ड है ना, राइट, आर इंस्पिरेशन वाज के ऑफ ऑल द रिसोर्सेज आउट देयर, राइट, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली इनवैल्यूएबल। इसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते, बाकी सब चीज़ों पे कुछ ना कुछ रोकथाम किया जा सकता है। वैसे आप स्पेंड करने से किसी रिसोर्स की यूटिलाइजेशन को आप डेफर कर सकते हैं। यस, टाइम इज द ओनली रिसोर्स विच कुड नेवर स्टॉप। सो इसको दिमाग में रखते हुए हमने अपने पूरे पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट का नाम में हमने टाइम ही यूज़ किया ट्रैक्स के साथ, कि जो वो 360 ऑर्गेनाइजेशन की तमाम एक्टिविटीज़ हैं वो उसके कहीं ना कहीं रिसोर्सेज हो, और उनकी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन इज व्हाट टाइम ट्रैक्स असिस्ट यू विद। राइट, एक और सवाल सर इसके हवाले से कि शुरुआत में जब टाइम ट्रैक्स बना होगा, आप लोगों ने काम किया होगा, तो रोलर कोस्टर तो हुआ था, अंडरस्टैंड, लेकिन कभी बीच में ऐसा आइडिया आया कि यार टाइम ट्रैक्स के ऐसे चैलेंजेस हैं कस्टमर्स की तरफ से या आपको विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप बस हो गई, वो जो लम्हा था उसके बाद जो बाउंस बैक आपने किया टाइम ट्रैक्स में, वो भी सर हम स्टोरी आपसे सुनना चाहेंगे। हाउ डिड यू डू इट एंड हाउ यू मैनेज द कंप्लीट रोलर कोस्टर जर्नी विद द टाइम ट्रैक? देखिए, मैं समझता हूँ हमने बहुत दफ़ा ये ज़रूर फील किया कि हम शायद जिस डायरेक्शन में निकल रहे हैं या पढ़ते चल रहे हैं वो मे बी इज़ नॉट द ऑप्टिमल वन, राइट। तो हमने दो ऑप्शन होते हैं, या तो यू थ्रो गुड मनी या गुड रिसोर्स आफ्टर बैड, राइट, या यू थोड़ा सा बैक ट्रैक करते, थोड़ा सा यू टर्न लेते हैं और आप कहते हैं वी बी ऑन द राइट ट्रैक अगेन, राइट। तो हमने ऐसे एक आध दफ़ा हमने रीथिंक किया अपने बिजनेस चॉइसिस को, जैसे हमारी ERP एप्लीकेशन रिस्ट्रैक्स के नाम से वॉज अ स्टैंड अलोन वन, टाइम ट्रैक्स वॉज सेपरेट एज एन HR एप्लीकेशन, डिस्ट्रैक्स के साथ हमारा CRM भी शामिल था। तो हमने कहा आइदर वी कैन कंटिन्यू विद दीज टू पैरेलल प्रोडक्ट्स और वी ब्रिंग इट इनटू अ सिंगल साइन ऑन वन एप्लीकेशन विच कवर्स द होल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसमें एक पीरियड था कोई 2 साल का जिस पर वी हैड टू लेट गो फॉर आउट ऑफ बिजनेस,
दोनों साइड के ऊपर, फिर इस वक्त हम प्रोडक्ट को कंसोलिडेट कर रहे हैं. एंड आई थिंक यही एक रीज़न भी रहा है हमारे सर्वाइवल का. व्हेन वी सी एट द अदर ऑर्गेनाइजेशंस या अदर इंडस्ट्रीज, तो वो दे कीप कंटिन्यूइंग विद द सेम प्रोडक्ट, चाहे वो जितनी भी पुरानी क्यों नहीं हो गई, क्योंकि प्रोडक्ट को आपको रिन्यू तो करते रहे. ऐसा ही, तो हमने उससे कभी भी हमने डरे नहीं कि यार ठीक है वी माइट हैव टू लूज बिजनेस, दैट्स ऑल राइट, वी लूज इट फॉर नाउ, बट वी आर देन गियरिंग अप फॉर द बिगर चैलेंजेस अप अहेड. तो ये एक चीज़ है ये जो हमारी, हमें बार बार या एक आध बार ज़रूर हमारे ये फेजेज आए वे सीमिंगली हम बिजनेस लूज कर रहे थे, बट वी अंडरस्टूड के यार ये हम बिजनेस में आगे लीफ्रॉग करेंगे वंस वी आर बैक विद अ न्यूअर अपग्रेडेड प्रोडक्ट. सो ये रही हमारी जर्नी. अमेजिंग अमेजिंग सर. तो इसका मतलब आपकी कोई ना कोई USP होगी, कोई ऐसी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन आपका होगा जिसको लगता है कि यार जिस वजह से हमारा कस्टमर हमारा टाइम ट्रैक्स का रहता है, जिसको हम लॉयल कस्टमर कहें, क्या हमारा कस्टमर नेवर नेवर वॉन्ट्स टू बी इन द पार्ट ऑफ अदर गेम्स, वो ऐसी कौन सी USP है जिसकी वजह से आपका कस्टमर आपको कभी छोड़ के नहीं जाता? देखिए इसमें जैसे हमने बात की ना सुपर मॉड्यूल्स की, तो हम उसको सुपर बुलावाजा नहीं लगाते. देखिए ये सुपर इसलिए लगता है कि हम किसी भी मॉड्यूल को मॉड्यूल का दर्जा उसी वक्त देते हैं कि जब उसने मल्टीपल इंडस्ट्रीज में मल्टीपल कस्टमर्स की नीड को मीट कर लिया. उससे पहले वो ड्रॉइंग बोर्ड से, अभी भी अगर हम बात करेंगे हमारे 3-4 अंडर डेवलपमेंट मॉड्यूल्स हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक आध जगह इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं, या उनकी एनालिसिस या उनके ऊपर जो पूरी डेप्थ है वो भी अराइव नहीं हुई. तो जब वो हो जाएगी वो मॉड्यूल की रैंक्स सुपर कैटेगरी में आ जाएंगे, तभी वो सुपर नहीं सुपर. तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हमारी जारी रहती है. कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इज अ USP फॉर द टाइप ट्रेंड, डेफिनेटली दिस डे वन. एंड दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हम कभी भी प्रोडक्ट को इस तरह नहीं बनाते कि यार बस इसकी निराश आ गई है. राइट, वी कीप द प्रोडक्ट स्केलेबल. राइट, तो वो एक और एलिमेंट है जिसकी वजह से जब कस्टमर घूम फिर के और जाके देखता है, पता चलता है कि यार लिमिटेशन आ जाएगी थोड़े टाइम के बाद, तो वो कहता है यार व्हाई डोंट आई स्टिक विद दिस प्रोडक्ट, दे अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम अ लॉट बेटर देन द अदर. सो दैट इज आवर कोर USP. कोर यानी कि आपने कहा द कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड स्केलेबिलिटी इज द रियल एसेंस ऑफ अ टाइम ट्रैक सोमा. एंड मैं समझता हूँ ये सिर्फ आप क्लेम नहीं कर रहे, द रिटेंशन अमाउंट ऑफ रिटेंशन ऑफ कस्टमर is the proof of these things. Hafiz saab, aapne claim ye word kiya ki hum Pakistan ke andar jo automation ka concept hai isko mazid build karenge. Kya aapke paas aisi competition hai jo ye cheez aapko rok rahi hai, kya ye aisi competition hai jiski wajah se hum Pakistan ke andar automation layenge, ya phir aapko lagta hai ki time tracks is a competition for the time tracks jiski wajah se hum automation lekar aayenge? What is your thought about it? Competition ko देख के अपने आइडियाज को चेंज करते हैं या टाइम ट्रैक्स को टाइम ट्रैक्स के साथ कंपेयर करके अपने आइडियाज को ऑटोमेशन में कन्वर्ट करते हैं? नहीं, बेसिकली अगर देखें तो अगेन वही ड्राइविंग फोर्स, वही कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट वाला कॉन्सेप्ट पे चल रहे होते हैं, और एक वो बिलीव है कि एक्सेलेंस इज अ मूविंग टारगेट ना. राइट सर. तो कभी भी अगर आप ये सोच के बैठ जाएंगे कि बस ये बेस्ट हो गया और ये एंड हो गया है, तो फिर आप ग्रो नहीं कर रहे हो. राइट. तो अगेन वो आपकी बात, दूसरी बात को मैं कहूँगा कि टाइम ट्रैक्स को टाइम ट्रैक्स से कंपेयर करते हैं कि टाइम ट्रैक्स पहले कहाँ था और अब कहाँ है. एवरी ईयर हम प्लान कर रहे होते हैं, रोड मैप लेके चल रहे होते हैं, जिस तरह सब ने कहा कि अभी भी 3-4 मॉड्यूल्स ऐसे हैं जो अंडर डेवलपमेंट, अंडर आरएनडी, इन्फेंट बेबी. हाँ, एग्जैक्टली, नॉट सुपर बट इन्फेंट. हाँ, इन्फेंट बेबीज हैं. तो ये अगेन वही कि कंटिन्यूस हम वर्किंग चल रही है, आरएनडी हो रही होती है. समटाइम ऐसा लगता है कि यार ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली चीज़ें आ रही होती हैं. इंटरनेशनली भी कुछ चीज़ें ड्राइव हो रही होती हैं जो लोकल मार्केट में आने में टाइम लग रहा होता है, तो हम कुछ चीज़ें देख रहे होते हैं बाहर से भी कि क्या ट्रेंड चल रहे हैं, क्या बिजनेसेस किस तरफ जा रहे हैं, तो उसी को देखते हुए. तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करता बल्कि कॉम्पीट करता हूँ, और कॉम्पीट मैं खुद को खुद से करता हूँ. आई थिंक जब हम खुद को कॉम्पीट करते हैं तो हमें हमेशा एक नया बेंचमार्क मिलता है. जब हम किसी से कंपेयर करते हैं तो दो तरीके होंगे, या तो मैं डिसअपॉइंट होऊंगा या तो एरोगेंट हो जाऊंगा, इसको तो नहीं पता मुझे आता है. सो आई थिंक दिस इज ग्रेट स्ट्रैटेजी सर. सो लुकिंग अहेड इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर शो. मैं वो क्वेश्चन रीड करूंगा आपके सामने. मैं चाहूंगा इसमें सर 4-5 चीजें आप ऐड कर दें, जैसे आप माशाल्लाह इंस्पायरिंग स्पीकर भी हैं ऑलरेडी. व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ बिजनेस ऑटोमेशन इन पाकिस्तान एंड हाउ डज टाइम ट्रैक्स प्लान टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व सर? कैसे टाइम ट्रैक्स अपने आप को उस कर्व से आगे समझता है, और जो पाकिस्तान के अंदर बिजनेस ऑटोमेशन में उसमें क्या रोल प्ले करेगा सर? देखिए पाकिस्तान प्राइमरीली एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है. राइट. अनफॉर्चुनेटली अभी तक
तो उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो प्रोडक्ट्स बाय एंड लार्ज यूज होते आ रहे हैं ना बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए, वो इम्पोर्टेड ही हैं ऐसे ही। तो उन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के साथ एक हद तक ही इंडस्ट्री अडॉप्शन आ सकती है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड, दे वेरी एक्सपेंसिव ऑप्शंस आउट देयर एंड दे नॉट लोकलाइज्ड आइदर। तो उसमें टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच है हमारी। एक तो हमने वो सब एज सच ऑन द ड्रॉइंग बोर्ड रख दिया है जो किसी भी मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशन की तमाम नीड्स को मीट कर सकती। मिड से ऊपर जाए तो कोई मसला भी नहीं है, वो भी हमने कवर किया हुआ है। एंड इवन लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारा कहने क्लेम टू फेम है 25 to 25,000 एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी है तो वी हैव यू कवर्ड। एब्सोल्युट। तो ये तो हमने अपना स्पेक्ट्रम डिफाइन कर दिया कि यार इस साइज़ की कोई भी इदारा होगा तो उसकी हम नीड्स को मीट कर सकते हैं बिजनेस ऑटोमेशन। अब इसके लिए चैलेंज क्या है? चैलेंज ये आता है कि जी उसके लिए आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ यूजर्स चाहिए मार्केट में कि जब सिस्टम इंप्लीमेंट होना हो तो वो चेंज एजेंट्स या वो लोग जो इस प्रोसेसेस को समझते हैं वो मार्केट में रेडीली अवेलेबल हो। राइट। तो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर हमने फील करते हुए ओवर द लास्ट सेवरल इयर्स वी हैव बीन वर्किंग एंड एट द मोमेंट देयर आर अबाउट 3,000 प्लस टाइम ट्रैक सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स इन द मार्केट। एंड ये सिर्फ वो लोग नहीं है जो इदारों में काम कर रहे हैं। इस वक्त हमने अकेडेमिया के थ्रू 5 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज वी आर इम्पार्टिंग द एजुकेशन ऑन टाइम ट्रैक्स एज एन ERP, CRM एंड SCM एप्लीकेशन, जो तैयार होकर लोग मार्केट में अब ऐड हो रहे हैं कि वंस दे जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन दे विल हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग या कुछ हद तक एक्सटेंडेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू ऑपरेट द फाइनेंशियल एप्लीकेशन, टू हाउ टू ऑपरेट द इन्वेंट्रीज, ऑर्डरिंग, उसकी प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, ये तमाम चीज़ें HR साइड तो ऑलरेडी कवर्ड है, CRM साइड, सेकेंडरी सेल्स मैनेजमेंट, इस तमाम पहलू कैसे कवर हो रहे हैं, कैसे आपस में इंटरट्वाइन है, कैसे ये इंटीग्रेट कर रहे हैं अगर किसी इदारे में कोई ग्लोबल ERP एप्लीकेशन भी चल रहा है। तो हमने 8-10 बड़े ERP के साथ भी इंटीग्रेशन की हुई हैं, तो वो तमाम चीज़ें हम इम्पार्ट कर रहे हैं थ्रू यूनिवर्सिटी टू स्टूडेंट्स, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स या उससे जो थोड़े पहले भी एक आध सेमेस्टर पहले के भी। सो दैट इज़ वॉट वी फील इज़ गोइंग टू फिल द गैप एंड असिस्ट द इंडस्ट्री एट लार्ज टू कम एट पेस विद द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। एब्सोल्युटली। मैं समझता हूँ कि एक होता है ना कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन, और मुझे लगता है कि जो भी बच्चा यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होगा या हो रहा है आप उस पर काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोई इदारा ऐसा नहीं है, आप तो बिजनेस माइंड सेट है, कोई ऐसा इदारा नहीं जो इस लेवल का एजुकेशन अभी प्रोवाइड कर रहा हो। रही बात यूनिवर्सिटीज की, वहाँ हम हैं एंड वी कॉम्प्लीमेंट यू कि आप सही मायनों में सदका इजारिया कर रहे हैं और यही चीज़ इंशाल्लाह आपको आगे जाके पे ऑफ भी करेगी। हाफिज साहब, बस अभी हमारा लास्ट सेगमेंट में आपसे सवाल कि आपने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखी होंगी टाइम ट्रैक्स के हवाले से और बहुत सारे मतलब आपने रोलर कोस्टर भी देखा। सक्सेस स्टोरी के हवाले से आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह से उसको जुबिलिएट करते हैं कि यार टाइम ट्रैक्स में जो है हमने ये चीज़ एक डेवलप की, उसको ओन करने के बाद सेलिब्रेशन का मोड और मैथड क्या होता है और कैसे लोगों को आप इंस्पायर करते हैं थ्रू योर वर्किंग मैथड्स? हाँ देखें, सक्सेस स्टोरी के पीछे यकीनन चैलेंजेस होते हैं जब ये वो फिर सक्सेस में कन्वर्ट होती है, और हर चैलेंज कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा होता है। ये तो ऐसे ही होता है, डिफरेंट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं, टेक्निकल चैलेंजेस आते हैं, लाइक जैसे आपने कहा डिफरेंट इंटीग्रेशंस की रिक्वायरमेंट्स आती हैं, बड़े सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स इंटरनेशनल एप्लीकेशन इंटीग्रेशंस आ रही होती हैं, ग्लोबल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स आ रही होती हैं, तो वो चैलेंजेस होती हैं, उनको हम एक्सेप्ट करते हैं और टाइम टू टाइम उन पे जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन है वो हम ले रहे होते हैं और उसी को लेते हुए फिर हम आगे चलते हैं। और डेफिनेटली सक्सेस स्टोरीज यही हैं कि टीम के साथ थोड़ा उसको हाँ बिल्कुल, तो बस उसको सेलिब्रेट करते हैं और फिर अगेन अगले टारगेट की तरफ चले जाते हैं। टिकते नहीं है अगेन कि बस सब सेलिब्रेशन हो गई, अब सुकून में आ गए, फिर देखते हैं अगला टारगेट, अगला चैलेंज। तो कहते हैं ना डेली एक नया चैलेंज, 1986 में जो मैंने एक छक्का मारा उसके बेसिस पे मैं नहीं बदला था। हाँ एग्जैक्टली, अगले दिन नया मैच है, नया छक्का है। एग्जैक्टली, क्योंकि मार्केट लर्निंग यही है ना कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है यही, जो प्रोडक्ट या अगेन एक मैं कहता हूँ इसको कि वो मशीन है रनिंग, आप रन कर रहे हैं तो रुकेंगे अदरवाइज आप अदरवाइज बाहर। तो कंटिन्यूस आपको इम्प्रूवमेंट के ऊपर चलना है, कंटिन्यूस लर्निंग है और लर्निंग कभी रुकती नहीं है। तो
तो सेलिब्रेट करते हैं, कुछ होते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं ओके यार ये तो हो गया, नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्या करता हूँ। सेलिब्रेशन मेरी बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है हो गया अब आगे क्या कर जबरदस्त। टेकन ट्यून का ये बस आखिरी सवाल है और हम इस प्रोग्राम को बिल्कुल समराइज करने लगे हैं। तो नादिर साहब आपसे सिर्फ ये पूछेंगे कि टाइम ट्रैक्स का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है मार्केट में ऑटोमेशन के अंदर, ऑलरेडी हमने आपसे वो लर्न किया और आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि हम जो स्टूडेंट को एक CSR प्रोग्राम कराते हैं जिसमें उनको हम सर्टिफाई करते हैं, सिखाते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराते हैं। अगर हम इनको बैक एंड जाके देखें बड़े एक्सपेंसिव कोर्सेज होते हैं और आप मुझे लगता है कि सदका इजारिया के बेसिस पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं ताकि एक इंडस्ट्री की कैपेसिटी बिल्ड हो सके। इसके अलावा सर आपकी कोई रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, कोई लोकल या ग्लोबल वैलिडेशन है जिनको आपको अवार्ड्स दे के बताया हो कि हाँ टाइम ट्रैक्स भी नंबर वन ब्रांड है in HCM, ERP and CRM? Over the years, alhamdulillah, altogether हमें 12 awards मिले हैं which cover the different areas of business processes which include supply chain management, e-logistics, payroll processing, या best HR application, या best cloud applications. Right. तो इन different areas के अंदर हमें recognize किया गया है, पाशा ने किया है, PDA ने किया है और इदारे जिन्होंने हमें recognize किया है और इन्होंने ये कहा है कि यकीनन हमारी product में इतना दम है कि हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। हमने रिप्रेजेंट भी किया पाकिस्तान को डिफरेंट कंट्रीज़ में, हांगकॉन्ग, श्रीलंका वगैरह में, जब भी पाकिस्तान ने रिप्रेजेंट किया एपिक्टा में अपने आप। ये एक चीज़ है और इसका एक और पहलू यकीनन रहा है कि जब भी बहुत सारे इदारे उनके साथ काम कर रहे हैं जिनकी ग्लोबल प्रेजेंस है तो उनकी ग्लोबल टीम्स ने भी आके हमारी प्रोडक्ट को ऑडिट किया है, वेरीफाई किया है कि येस इट मीट्स ऑल द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट फॉर एनी एप्लीकेशन रनिंग ऑन इट्स सिस्टम्स। तो वो हमारे लिए आई थिंक ज़्यादा एक बड़ी अचीवमेंट है कि हम उन तमाम हमने मराहिल को पास किया है और उसमें डिफरेंट रशियन रीजन से आए हैं, CIS रीजन से हैं, उसमें आपका यूरोपियन कंट्रीज से आए हैं लोग और उन्होंने वैलिडेट किया कि यस आर एप्लीकेशन इज एट पार। सो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम हाफिज साहब आपसे कि कोई न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस पर भी कोई काम कर रहे हैं आप, नए कोई आपके प्रोजेक्ट्स हैं या कोई नया टाइम ट्रैक्स में कर रहे हैं तो वो मैं चाहूँगा इसके हिसाब से फिर हम प्रोग्राम को एंड करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, क्योंकि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के तहत काम चल रहा होता है, 3-4 मॉड्यूल्स पे इस वक्त भी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। और एक और चीज़ जो डेफिनेटली हर कोई आजकल जान रहा है, एक बजवर्ड है AI, चैट जीपीटी के आने से लोगों को पता लगा कि क्या है। और तो हम भी बेसिकली एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं विच इज़ AI प्रोडक्ट, AI बेस्ड प्रोडक्ट, और वो मेनली एंटरप्राइज को असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी की बिजनेस डिसीजन में। तो इस पे R&D चल रही है और एज सून एज हम इसको फिर रिलीज करते हैं, रोड मैप के हिसाब से रिलीज होगी और डेफिनेटली आपके चैनल से हम इसको फिर आगे। अमेजिंग, एंड इट इज ऑनर फॉर माय चैनल एज वेल, एंड थैंक यू टू टाइम ट्रैक्स फॉर द अमेजिंग एडिशन। अगर AI हमारे पास आता है तो मुझे लगता है कि टाइम ट्रैक्स का AI के साथ AI को बिल्ड करना ये भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बिल्कुल 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 फर्स्ट मूवर होगा, बिल्कुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट में बिल्ट इन, मेड इन पाकिस्तान AI होना, डेफिनेटली इट विल बी अ फर्स्ट वन। पर सर हम ये चाहेंगे तो नहीं कि ट्यूरिंग टेक का ये आखिरी सवाल हो या कुछ हो, सवाल तो हमारे सारे ख़त्म हो गए, सिलसिला भी ख़त्म नहीं हुआ। एक लास्ट मैसेज फॉर माई ऑडियंस, लास्ट मैसेज जो आपके व्यूवर्स हैं, क्योंकि आप भी लिंक्डइन में बहुत सर पॉपुलर है मैंने देखा है, सो एनी लास्ट मैसेज इन सम ऑफ द स्टोरी ऑफ द ट्यूरिंग टेक विद टाइम ट्रैक। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेड इन पाकिस्तान इज वॉट ड्राइव्स आर इंस्पिरेशन एंड दिस इज़ वट आई वुड लाइक टू सी कि जी हम एटलीस्ट बहुत सारे रफ़ा डिसीजन मेकिंग में हम इधर उधर देखते हैं, हम कुछ कोरी चमड़ी से मरूब हो जाते हैं, थोड़ा सा ज़रूर लोकल प्रोडक्ट्स को देखें, हमारी हो किसी की भी हो, केयर वहाँ पर बहुत देते हैं और सबसे इम्पोर्टेंटली उस प्रोडक्ट का पूरा रॉ मटेरियल भी लोकल है। तो why not made in Pakistan? Why not made in Pakistan and made for Pakistan and for Pakistani organizations? हाँ, ओवरसीज पाकिस्तान जो काम करती है वो भी हमें देख के हमें एनालिसिस कर सकती है, ऑडिट कर सकती है। कहते हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो मैं ये कहता हूँ कि टाइम ट्रैक्स को भी पहले देखें और उसके बाद ढेर सारे सवालात करें। और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लास्ट मीटिंग में हुई थी, अच्छा मैं जो भी सवाल कर रहा हूँ उस बंदे का, मुझे नहीं पता आप शायद पिच डेवलप करने में लोगों को ये सिखाते हैं, उसने कहा रंजीत साहब आप लिख के दें आपको चाहिए क्या, हम कर देंगे। तो मुझे लगता है कि दिस इज द रियल ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी योर पीपल टेक ऑन द शोल्डर्स, एंड दिस इज रियल सक्सेस फॉर द टाइम ट्रैक्स। हाफिज साहब आखिरी मैसेज आपकी तरफ से, देन वी एंड द शो। अगेन वही
मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करें। ओवरऑल इस वक्त जो कंट्री के हालात हैं, इकॉनमी के सिचुएशंस हैं, तो उसमें यही एक सर्वाइवल का रास्ता है। और क्या कहते हैं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट को प्रमोट करें, आईटी प्रोडक्ट्स हों चाहे अदर प्रोडक्ट्स हों। तो बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। ट्यून इन टेक में ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता, ट्यून इन टेक से आज ये सिलसिला शुरू होता है, जिनका आगाज़ हमने नादिर साहब से किया, हाफिज़ नुमान साहब से किया। बस आखिरी मैसेज आप लोगों के लिए है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, एंड दे हैव प्रूव्ड कि हम ना सिर्फ इंडस्ट्री को कैपेबल कर रहे हैं, इंडस्ट्री में आने वाले जो यंग टैलेंट हैं, जो कल जाके किसी लीडरशिप पोजीशन में बैठेंगे, उनको भी हम कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं। तो हम आपसे इजाजत चाहेंगे ट्यून इन टेक के हवाले से, मिलते हैं नए पावरफुल गेस्ट के साथ जो सिर्फ ना थ्योरी पे काम करते हैं, वो प्रैक्टिकल काम करते हैं, और उसके बैकएंड में जो टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके सवालात हैं टाइम ट्रैक्स के हवाले से, इस कमेंट बॉक्स में लिखें। और ऐसा मत सोचिएगा कि सवाल पूछ के लोग मुझे समझेंगे मैं बेवकूफ़ हूँ, तो 5 मिनट के लिए सवाल पूछ के बेवकूफ़ी समझिएगा, वरना पूरी ज़िंदगी आपको ये फील करना पड़ेगा कि काश मैं भी सवाल पूछता। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, टाइम ट्रैक्स की जो टीम है जिसमें हमारे साथ मौजूद है उज़ैर साहब, वो भी आपको बहुत सारे सवालात के जवाब देंगे, और अगर आपके साथ ऐड नहीं है मैं उनको टैग कर दूंगा, क्योंकि आपके सवालात इस प्रोडक्ट को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।